दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद्र जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्ढा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत
परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंश नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था, अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसिनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद्र जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंश चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंश अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए
सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद्र जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है।
चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ,
परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्ढा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों
फिर ये दर्शन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार
शानदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है, क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस
अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है, क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि
में नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था, अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़
को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वह दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्तरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ,
परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्तरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों
फिर ये दर्शन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा एक कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार
रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्टोरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहां है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस
अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए
सहमत हो जाता है। एक रेस्तरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़
को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस से चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वह दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरों में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ,
परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लेवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों
फिर ये दर्शन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार
जोरदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्ढा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से
लेकर आते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंश नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंश चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंश अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना
अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य रियल एस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद्र जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है।
चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वह दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए मत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसिनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है। हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसिनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, अफरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू ही होती है दोस्तों, नितिन बनकर कुलजीत कौर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल रेस्टोरेंट और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्ढा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रियदर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ,
परेश रावल, समीरा रेड्डी, जोनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्ढा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वह दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा इस विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्ढा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दे दनादन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दनादन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 27 नवंबर 2009 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी दे दनादन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2009 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के माने जाने डायरेक्टर हैं दोस्तों
फिर ये दर्शन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, लेकिन रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 37% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 80% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, नेहा धूपिया, राजपाल यादव, अर्चना पूरन सिंह, मनोज जोशी, असरानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू हुई होती है दोस्तों नितिन बनकर कुलजीत कोर का नौकर और ड्राइवर है। कुलजीत सिंगापुर में मॉल, रेस्टोरों और अन्य रियल इस्टेट के मालिक है। नितिन को कुलजीत का कुत्ता मूलचंद जी नापसंद है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। चीनी फिल्मों में काम करने के लिए सिंगापुर जाने के बाद राम मिश्रा की कुरियर सेवा के लिए काम करते हैं। अंजलि कक्कड़ को नितिन से प्यार है और मनप्रीत ओबेरॉय को राम से प्यार है। दोनों गर्लफ्रेंड अमीर हैं और अच्छे जीवन की आदी हैं। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा चेक किटिंग के लिए हरबंस चड्डा की जांच कर रहे हैं। हरबंस अपने बेटे नोनी की शादी करना चाहता है ताकि वे दहेज प्राप्त कर सके और अपना कर्ज चुका सके। वह अंजलि के पिता हिमांशु टीनू आनंद द्वारा ऐसे विषय को सामने लाने के बाद अंजलि से उसकी शादी के लिए सहमत हो जाता है। एक रेस्तरां में हरबंस अंजलि से मिलने से चूक जाता है क्योंकि विल्सन वहाँ है। हिमांशु की मुलाकात हरबंस की छोटी दूसरी पत्नी पम्मी चड्डा से होती है। अंजलि ने नोनी से कहे कि वह अपने प्रेमी से बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे शादी से बचना चाहिए क्योंकि वह नितिन से प्यार करती है। एक कैसीनो में हरबंस की मुलाकात ब्रजमोहन ओबेरॉय से होती है, जो वह भारतीय राजदूत परमजीत सिंह लांबा विक्रम गोखले का परिचय सभी से कराते हैं। ओबेरॉय की संपत्ति के बारे में जानने के बाद हरबंस नोनी की शादी मनप्रीत से तय करता है, हिमांशु जिसे सूचित नहीं किया गया था। अंजलि की शादी किसी और से तय कर देता है। मूसा हीरापुरवाला ने कैसीनो में डांस अनु चोपड़ा से शादी करने का फैसला किया। जब उसे जीजा को पता चला तो उसने मूसा को मारने के लिए माफिया डॉन और मामू को काम पर लगाया। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।